मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे हराया कर दिया उस पर हम सब को छोड़ के चली गई है। ऐसा नहीं हो सकता दाऊद, दिल के रिश्ते इतने कच्चे थोड़ी ना होते हैं कि यूं ही टूट जाएं। कैफी इतना ही खतरनाक है, इशल को आप तो क्या कोई भी नहीं समझा सकेगा। घर से ना शाफर बेटा। नहीं, मुझे घर नहीं जाना इस वक्त। आप देखिए, मुझे अभी घर नहीं जाना, बस गाड़ी की चाबी दे दें, मुझे जरूरी काम। जी सानी बेगम, वो अपने घर चली गई है किसी शाफिन नाम के लड़के के साथ। इशल अपने घर पहुंच गई। कैसे बताऊं मैं उसे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मोहब्बत को पा लेना ही मोहब्बत नहीं है शाफे जी। मोहब्बत मिल जाए तब भी खो जाए, खो जाए तब भी इंसान बना देती है इंसान। अगर वो खो जाती तो मैं सह लेता, लेकिन मैं उसकी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे सब्र सब्र सब्र, मोहब्बत है या नफरत इसका फैसला तो होने दो। उसने मुझे मेरे सामने दुत्कारा है। अरे दुत्कारना, अरे ये दुत्कारना तुम्हें पाने दे पहला कदम है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि बस तुम सफर छोड़ रहे हो, ऐसा ना कर। इश्क, इश्क दरिया पार करना, खुद को बनाना है सब्र से, सब्र से खुद को निखारना है। इश्क क्या है, का दरिया है डूब करता है नहीं। क्या हो गया तुझे, क्या हो गया शाफे, चला जा तू, चला जा। लेकिन मुझे इस वक्त बस बस क्या हुआ तुझे बेटा, ये क्या है, ये कयाम कैसा है राह में। अरे तेरे शौक इश्क को क्या हुआ, अभी चार कांटे चुभे नहीं और तेरे सारे इरादे बदल गए। क्यों नहीं, नहीं कायम रहना है, कायम रहना इश्क, इश्क ना वो नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना था वो, नहीं छोड़ना। ये कयाम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक को क्या हुआ, अभी चार कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। अनीस दरवाजा खोलो। नीस, जूस रखा है तुम्हारे लिए, पी लेना। क्या हुआ है? कैसे बोल रहे हो, क्या हुआ है? क्या जवाब दूँ?
इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का। क्या हुआ है? रंग दिया ना अपने बेटे को अपने रंग में? किसकी बात कर रही हो तुम? आपका बेटा, आपका खून, अनीस खान, और कौन? क्या उसकी इतनी जुरत? दिन दहाड़े घर में शराब नोशी कर रहा है वो। मैं अभी उस नालायक की तबीयत ठीक करता हूँ जाके। उसको क्या पूछेंगे? उसे पूछने से पहले खुद को पूछें, मुझे पूछें। अब बकवास बंद करो अपनी तुम। देखते हैं जनाब ने क्या दिया। इतनी शॉर्ट शर्ट, इसकी स्लीव्स भी इतनी शॉर्ट है। कैफी को पता है मैं इस तरह की ड्रेसेस नहीं पहनती। तुम्हें काम करो, ये चादर इसको ओढ़ लो। चादर क्यों? इससे होगा ये कि कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा। अनीस खान, अनीस खान, छोड़ दें इसे, आप इसे कुछ नहीं कह सकते। अरे पीछे हटो, मैंने तुम्हें कहा है पीछे हटो। अनीस खान, क्या हुआ सर? मैं बताता हूँ तुम्हें। छोड़ दें इसे, मैंने कहा पीछे हटो। जा तुम। मर रहे तो मुझे मारो, मारो मुझे। औरतों पे हाथ उठाना मर्दान की नहीं। जो पूछने जा रहा हूं ना आपसे, उसका जवाब दे मुझे। कौन थी हमीदा बेगम? मैंने पूछा कौन थी हमीदा बेगम? सुनना चाहते हो ना तो सुनो। बीवी थी वो मेरी, शादी की थी मैंने उससे। हमीदा बेगम, वाह वाह भजन, वाह वाह वाह, अरे वाह भजन, वाह। आपने तो हमारा सारी फकर सच्चा कर दिया। अरे कैसी शादी थी? बीवी को नहीं पता, बेटे को नहीं पता, कब की आपने ये शादी, बताए ना। मैंने पूछा जवाब दे, कहाँ जा रहे हैं? जवाब दे ना मुझे, जा। कब की थी शादी आपने, बोले ना। अरे वाह वाह, आपने भी नहीं कभी पूछा। कब की थी शादी उन्होंने? अरे मैं क्या जवाब दूंगा रूहा को, अमीना कौन थी? अरे बीवी थी इनकी। Thank you.
ये क्या है इशर? ये चाहत से वो ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, तुमने पहना ही नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो इशर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हूं मेरे साथ इशर? आई रियली वॉन्ट टू सी यू इन दैट ड्रेस। Why? What why? मुझे पसंद है वो ड्रेस और तुम भी तो इसी तरह के मॉडर्न ड्रेसेस पहनती हो। वो कोई ड्रेस नहीं था कैफे। माना कि मैं वेस्टर्न ड्रेसिंग वेयर करती हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं इतना फिटेड और इतना बोल्ड ड्रेस वेयर कर लूंगी। Come on, इशर, तुम ऐसी बातें कब से करने लगी? हाँ, करने लगी, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस। Are you really sure you don't like this dress? Yes, I'm really sure. और भाई क्या पहनना पसंद करती हो क्या नहीं? This is not your problem, Kaffee. नहीं है ये सिर्फ तुम्हारा problem. तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी चाहत हो, मेरी wife हो, और मुझे पूरा हक है तुमसे हर एक बात पूछने का. But I am not your wife. और इस्लाम में ना किसी भी मर्द को इतना हक नहीं है कि वो अपनी होने वाली बीवी से इस तरह के सवाल करे। What's so funny? Wait, one second. क्या तुम वही ईशल हो? हाँ, मैं वही ईशल हूँ क्या? और मैं मुसलमान हूँ, और हमारा मजहब ये इजाजत नहीं देता। अच्छा, तुम कर सकती हो, बट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। तुम यहां से नहीं हो। अच्छा, तो इस मजहब ने तुम्हें दिया ही क्या है? इस मजहब ने ना मुझे सब कुछ दिया। मेरी दुनिया इस मजहब ने मुझे दे दी, मेरी जिंदगी, मेरी होने की वजह, मेरे जीने का मकसद, सब कुछ दिया इस मजहब ने मुझे। और प्लीज कैफे, अब मैं तुम्हारी ये नॉनसेंस बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती। Oh, मेरी शल, but I am nothing in this world. ठीक है, पता चल ही गया मुझे फिर। हाँ, उसने ये जादू तुम पे चला ही दिया। हाँ, किसका? शाफिन का। वो कहां से आ गया हमारे बीच में? आ चुका है वो हमारे बीच में, आ चुका है। ईशर, कहां मर गए ये सब के सब? कोई खैर खबर नहीं है कि क्या हुआ है। एक बार मेरी बच्ची इशल घर आ जाए, फिर सबको देख लूंगी मैं। बोलो कहां मर गए थे तुम? इतनी देर कर दी ये पता करने में कि कौन सा थाना है? बोलो। वो सानी बेगम। अपनी बकवास करते रहोगे, ये भी बताओगे कि पता चला है या नहीं? वो जी पता चल गया। ओ, तो याद रखो, ये निकलने ना पाए यहां से, और ईशल को हर कीमत में अगवा करके मेरे पास लेकर आओ। 2 घंटे के अंदर अंदर ईशल मेरे पास होनी चाहिए, वरना गोली मार दूंगी तुम्हें। सुना तुमने? जी पिताजी, जैसा आपका हुक्म।
मौसा मलिक, तुम्हारे साथ तो वो करूंगी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि सानी बेगम कौन थी। पता चला है शुल्का? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। क्या मतलब? मतलब उसने केस कर दिया मेरे और बाबा जान के खिलाफ, वो भी उस कैफी के साथ मिलकर, क्योंकि हम उसको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और वो बाहर जाना चाहती है। ऐसे क्यों कह रही है वो? अब क्या होगा? पता नहीं यार क्या होगा। मुझे लेके चलो उसके पास, मैं ईशल से पूछती हूँ ऐसे क्यों कह रही है, वो ऐसी तो कभी भी नहीं थी। कहाँ लेके चलूँ तुम्हें? शांति, शांति। मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर चलते हैं। हम घर नहीं, हम हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल। कैफे के बारे में सोचना चाहिए, मैं उसके साथ मेरी जिंदगी प्लान करी, फिर वो क्यों मेरे सर पे सवार हो रहा? क्यों ना तो रहम कर। बेटा क्या हुआ शांति को? खरीद तो है ना? पता नहीं बाबा जान, हम लोग तो शॉपिंग कर रहे थे तो उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और उसको मैं हॉस्पिटल ले आया।
ये इस हॉस्पिटल में आने की क्या जरूरत? बाबा जान सबसे करीब यही था, क्या करता फिर मैं? वो तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अभी वो अंदर गई है, डॉक्टर उसको चेक कर रहे हैं, जैसे कोई रिपोर्ट आती है तो फिर पता चलेगा। आप परेशान ना हो, प्लीज बैठे बैठे। या अल्लाह अपना करम कह दे। आपकी दुआएं चाहिए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। उन्हीं के भरोसे तो मैं यहां से जा रहा हूं। अल्लाह पर भरोसा करके निकलो। अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया। भरोसा हर काम में सिर्फ अल्लाह पर ही रखना चाहिए। जी मैं चलता। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। आज बड़ी खुश नजर आ रही है। ये सारी खुशी ना उसकी वजह से जो हमारे दरमियान आने वाला है। उसकी वजह से? क्या मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम खुद गेस करो ना। ऐसा क्या हो सकता है? वो मैं नहीं बता रही हूं। अरे सुनो सुनो सुनो, सॉरी हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते। बहुत स्ट्रेस में थी शांजे।
कैसे कर ली शादी? हेलो रूपा, रूपा तुमने कहा था ना, तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा कि हमीदा बेगम कौन है तो हमारा रिश्ता दोबारा से जुड़ जाएगा ना? हाँ, अम्मी ने ऐसे ही कहा था। रूपा, वो मेरी मदर है। क्या? Are you in your senses? तुम क्या कह रहे हो? Yes. आज ही अम्मा ने बताया मुझे। ऐसा नहीं हो सकता नीस, प्लीज कह दो कि ये झूठ है। ये सच है रूपा, यही सच। नो, ऐसा नहीं हो सकता नीस। हेलो, हेलो रूपा, अरुबा, अल्लाह की मर्जी इसी में थी। तुम्हें शान से के लिए बेटे सबर करना ही पड़ेगा। सबर करो मेरा बेटा, सबर करो, वरना सबर नहीं करोगे तो। सबर, सबर तो मैं कर ही लूं, सबर तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे शान से का हौसला चुपेगा। लेकिन फिर मैं ईश्वर को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा कि ये सब उसी की वजह से हुआ। दाव, दाव। नहीं, नहीं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो मैं मुझे ऐसा लगेगा कि आप भी मेरी मां नहीं है। नहीं नहीं, मैं जानती हूं कि ये सारा कसूर ईशल का ही है। मैं भी उसे कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते, हम क्या कर सकते? अगर मैं अपनी औलाद के खोने पर सबर कर सकता तो मैं ऐसे बहुत सारे रिश्तों के खोने पर भी सबर कर सकता। नफरत है मुझे ईशल से, मैं अपनी जिंदगी से ईशल का नाम मिटा देना चाहता हूं। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। नफरत है मुझे ईशल से, नफरत है। चली जाए, चली जाए। जो जवाब रूपा ने मांगा था वो तो मैंने दे दिया है, फिर क्यों फोन बंद कर दिया उसने? और मुझे आंटी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसे तो नहीं चल सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, मैं खुद बात कर लूंगा आंटी से। अगर उन्हें कोई गलत फहमी भी हो गई है तो मैं समझा लूंगा उन्हें। मैं आज ही जाऊंगा, अभी जाऊंगा मैं।
ہار نہیں مانوں گا عشق، تم جہاں بھی ہوگی تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، یا خدا میری مدد فرما. لیٹی رہو لیٹی رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے. کیا ہوا مجھے؟ تم ہاسپٹل میں کیوں اما؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، بتائے نا کیا ہوا ہے. بس آپ آرام کرو، آپ آرام کرو، حوصلہ کرو میری بچی، حوصلہ کرو. میں جانتی ہوں یہ سب اتنا آسان نہیں ہے. مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز. فقیر ہوں، آپ کا عاجز بندہ ہوں. آپ نے ہمیشہ میری محبت کی لاج رکھی، محض اپنے قلم سے میرے بیٹے کی زندگی سنوار دے. بے شک رحیم و کریم ہے، یہ انیس خان کہاں جا رہا ہے؟ ہٹ، اوہو لگتا ہے کہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا بہو رانی کے. آپ کو کچھ اور کہنا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں؟ بہت زبان لگ گئی ہے تمہیں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ چلی جاؤں یہاں سے. رجو ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے. I'm fed up now, Pisha. Ab apne har jagah lekar nahi pahunch sakta. Tum hi to mujhe bahar lekar aaye ho. Agar mood nahi tha to mat lekar aate. Ha, main hi tumhe lekar aaya. Lekin ab bardasht nahi hota mujhse. Main nahi samajh pa rahi hoon. Kya problem hai? Kya chahte ho? Kya chahta hoon main? Kabhi suno. Hum dono abhi court ja rahe hain aur hum shaadi karne wale hain. Aur wahi hoga jo main chahunga. And that's final. Kya tum tumhara dimag to nahi khatam? ہم سب آؤٹنگ کرنے کے لیے بھائی نکلے تھے، ہم کبھی نہیں جا رہے. اور میں تمہیں کئی بار بتا چکی ہوں میں صرف بابا جان کا ویٹ کر رہی ہوں. نہیں ہے تمہیں بابا جان کا انتظار. تمہیں کس کا انتظار ہے؟
शॉपिंग का इंतजार है तुम्हें, वही तुम्हारे दिमाग पर सवार हो चुका है। Yes, I am mad now. मैं तुझे किसी और के नाम में रंगा हुआ नहीं दे सकता। ऐसा मुझ पे किसी का रंग नहीं चढ़ा है। No. और तुम उसका रंग इख्तियार कर चुकी हो, कहने से डरती हो। शायद आप कहते मैं जा रही हूं यहां से। तुम जा कर देखा, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। बड़ी कर ली अब तुमने अपनी मानी। शाफी तुम्हें क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कहा मुझे कोर्ट मैरिज नहीं करनी है तुमसे। I knew it. बाबा जान तो सिर्फ एक बहाना था, मैं पहले क्यों नहीं समझ गया सब कुछ? शाफी तुम्हें क्या हो गया? मेरा यकीन करो, मैं वाकई बाबा जान का इंतजार कर रही हूँ। ये सब झूठ था, झूठ बोलती रही तुम, उससे सारे ड्रामे थे तुम्हारे। तुम गाड़ी किस तरह चला रहे हो? गाड़ी रोको। नहीं रोकूंगा मैं। कैन यू स्टॉप द कार? कैन यू कैन यू गाड़ी रोको? नहीं रोकनी मुझे गाड़ी। तुम गाड़ी किस तरह चला रहे हो? कैसे गाड़ी लग जाएगी? क्या हो गया तुम्हें? बस चुप करके मेरे साथ चलो। कैसे कैसे लग जाए? ये कैफी कहाँ हो सकता है? उसका तो यहां पर कोई ठिकाना ही नहीं है। आखिरी दफा उसको मैंने गेस्ट हाउस में देखा था, हो सकता है वो वहीं हो। हाँ वहीं होगा। कैफी तुम्हें क्या मसला है? कैफी तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो आप? ये तुम्हें इससे कोई मतलब? ये मेरा होटल है, क्या कर रहे हो आप? ये जस्ट शट अप, हटो मेरे रास्ते से। कैफी मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या हो गया? कैफी क्या कर, कैफी तुम्हें सब जाते हो? ये तुम किस औकात की बात कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझे रंग दे मौला, रंग दे